Hi guys, this is GR and you are watching Work at Our Job Helpful. So guys, एक और अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये जॉब सिर्फ और सिर्फ टेलर के लिए, टेलर बोले तो जो सिलाई वाला, जो थोड़ा बहुत टेलर का काम जानता हो, ये जो उनके लिए है। फ्रेशर के लिए ये जॉब बिल्कुल भी नहीं है। टेलर का एक्सपीरियंस बोले तो आपको थोड़ा कटिंग आना चाहिए, या फिर थोड़ा सिलाई करना आना चाहिए, या फिर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सैलरी है इसमें, और मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट है, और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सैलरी भी रहती है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें लैंग्वेज जो है कौन सी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप कौन से भी लैंग्वेज से रहने दो, आपकी हर एक लैंग्वेज इसमें चलती है। ये फैक्ट्री रहती है, प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रीज, नाम प्रवीण गारमेंट्स का। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे दूंगा। आप इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो डायरेक्ट इतना ही बोले कि सर, हमको जो है ये टेलर में एक्सपीरियंस है, और हम इतने महीने का एक्सपीरियंस है, और हम आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो गाइस, इसकी सैलरी मैं बता दूं आपको कि इसकी सैलरी रहती है कि एक ग्रेड टेलर रहता ना, जो अच्छा जानकर रहता, उसकी सैलरी हम लोगों के पास आई है कैंडिडेट की, वो है 12,720 रुपया। 12,720 रुपया एग्जैक्ट सैलरी रहती है। प्लस इसमें रहता है कि 500 रुपीज़ आपको कंपनी जो है ज्वाइनिंग बोनस देती है। ज्वाइनिंग बोनस बोले तो आप जब ज्वाइन होते हैं तब 500 रुपीज़ कंपनी आपको ज्वाइनिंग बोनस देती है। प्लस इसमें जो है 500 रुपीज़ आपको अटेंडेंस बोनस देती है। अटेंडेंस बोनस आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, आप बोले तो आपकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, आप काम करते हैं महीने के 26 डे, 26 दिन एक्चुअल काम करना रहता है इसमें, 4 वीक ऑफ रहता है संडे टू संडे। तो जब आप 26 दिन काम करते हैं पूरा, तो नेक्स्ट मंथ में आपकी जो है 500 रुपीज़ इंक्लूड होकर आती है सैलरी के साथ। तो टोटली अगर आपको सैलरी काउंट किया जाए, तो एक ग्रेड टेलर की सैलरी है इसमें जो है 13,220 रुपया। 13,220 रुपया है एक ग्रेड टेलर की सैलरी। फिर हुआ बी ग्रेड सेलर टेलर की जो है सैलरी, वो लोग देते हैं इसमें 11,980 रुपये। 11,980 रुपये ये नेट सैलरी रहती है। प्लस इसमें वही सेम 500 रुपीज अटेंडेंस बोनस का काउंट कर लीजिए। अगर आप 26 डेज वर्किंग करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट मंथ आपको जो 500 रुपीज इंक्लूड करके कंपनी आपके अकाउंट पे जो है ये 12,460 रुपये डालती है। रही नेक्स्ट लास्ट सी ग्रेड टेलर की, सी ग्रेड टेलर में होता है कि 10,710 रुपये इसकी जो नेट सैलरी रहती है। अब 10,710 रुपया प्लस उसमें सेम आप 500 रुपीज़ जो है ऐड कर लीजिए, तो उसमें जो आपकी सैलरी जाती है 11,210 रुपया। तो ये हो गई आपकी जो है नेट सैलरी, मैं जो बताया वो 500 रुपीज़ आपको सिर्फ सिर्फ फर्स्ट मंथ में दिया जाता है। पहला मंथ में आपको 500 रुपये मिला के अटेंडेंस बोनस का दिया जाता है। प्लस बहुत सारा बेनिफिट रहता है फ्रेंड्स मेरे इसमें। प्लस आपका ESIPF तो कंपलसरी चालू रहता ही रहता है। अब ESIPF का ऐसा है कि अगर आप 6 मंथ्स मिनिमम करते हैं, तो आफ्टर 5 मंथ्स के बाद, बोले तो आप 5 महीना कंटिन्यू करते हैं, तो 6ठे महीने से आपकी ESIPF कंपनी चालू करती है। ESIPF इसलिए 6 महीने के बाद चालू करती है कि हर कोई बंदा जो कंटिन्यू काम कोई नहीं करता, इसलिए कंपनी क्या करती है कि 3 महीने 4 महीने तक बंदे को देखती है। अगर वो 3 महीने कंटिन्यू करती है, तो 5वें महीने में उसका ESIPF चालू करता है, और 3 महीने से जो है वो कंटिन्यू देती है। गाइस, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। एक और बात, इसमें कंपनी रूम और फूड अवेलेबल नहीं करवाती है। ये जितनी भी जॉब आती है, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि इन सब में रूम और फूड अवेलेबल नहीं करवाती है। हाँ, अगर आप काम करना चाहते हो तो आ सकते हो, इसमें आपको OT मिल सकती है। सैलरी बहुत ही अच्छी है, परमानेंट जॉब रहती है सब, आपको कोई भी निकालने वाला नहीं रहता है। आप अपनी मर्जी से जो है निकल जाते हैं, काम छोड़ जाते हैं, वो अलग चीज़ रहती है, लेकिन परमानेंट और अच्छी जॉब रहती है। और दूसरी बात, कि जो गवर्नमेंट हॉलीडेज आता है, होली हुआ, दीपावली हुआ, उन सब में भी ये सब कंपनी जो है एक्स्ट्रा छुट्टीज भी प्रोवाइड करती है। 26 दिन की ड्यूटी रहती है, 8 घंटा ड्यूटी रहती है। इसके अलावा कंपनी OT भी देती है, जिसको ओवर टाइम बोलते हैं। अब OT किस हिसाब के काउंट करती है, तो आपको पता ही है, सब जो है कंपनी एक एक अकॉर्डिंग जो है अपना अपना ये रहता है, वो तो अपने हिसाब से OT देती है।
प्लस इसके अलावा हर एक साल में आपकी जो ग्रोथ होती है, प्रमोशन होता है, ग्रोथ होती है, ये जो मैं सैलरी बताई वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीना के बाद आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, और अगर आप साल भर काम कर लेते तो आपकी जो है सैलरी इंक्रीज होती है हर एक ईयर एंड में। ईयर में बोले तो मार्च के महीने में आपकी सैलरी कंपनी इंक्रीज करती है। प्लस इसमें जो है आपको हर दीपावली के दिन, नहीं तो दशहरा के दिन, कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है, लाइक टिफिन बॉक्स हो गया, लाइक आयरन बॉक्स हो गया, या फिर लाइक कुछ 200 रुपये एक्स्ट्रा मिला के हो गया, दीपावली बोनस हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें भी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय के लिए, ताकि एम्प्लॉय जो है कंटिन्यू काम करता रहे उसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जो जो बंदा, जो जो कैंडिडेट्स, जो जो फैमिली मेंस ये काम करने के लिए इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। एक और बात गाइस, कभी भी जो है हर एक काम में आप फ्री का मत देखिए। फ्री का रूम और फूड जो देखते हैं ना, वो हर एक जॉब में नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस जॉब में रहता है जिसमें सिर्फ हेल्पर की जरूरत रहती है। हेल्पर बोले तो जैसे स्पीकर, स्पीकर्स का हुआ, होटल्स का हुआ, उन सब में क्या रहता है कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से लेती है और अपने हिसाब से काम करवाती है। उन सब में जो खाना पीना जो है सब कुछ कंपनी की तरफ से फ्री रहता है, लेकिन इन सब जो कामों में नहीं रहता है, इन सब जॉब में नहीं रहता है कभी भी। रीजन ये रहता है कि बंदा सेल्फ डिफेंस रहता है, अपने आप रहता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ओटी भी कर सकता है, क्योंकि वो कब जब चाहे, मन चाहे वो काम छोड़ के जा सकता है, जब चाहे वो आ सकता है। लेकिन जब आपको रूम और फ्री सब फैसिलिटी फ्री मिलती है, तो उसमें क्या रहता है कि आदमी जो एक जगह स्टक हो जाता है, उसमें फिर क्या रहता है कि जब वो काम छोड़ने की आगे देखता है तो वो आगे पीछे सोचता है कि यार मैं जाऊँगा तो रूम कहाँ लूंगा और रहूंगा किसके साथ में। इस सब में जो ऐसा नहीं रहता, ये सब जितनी भी रहती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रहती है, प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रीज रहती है। और बेंगलोर में इसका बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा बोला तो बहुत सारा। आप अपने जो है गांव से 20 30 नहीं 100 200 कैंडिडेट भी लेके आ जाइए, बेंगलोर में इन सब की जो रिक्वायरमेंट रहती रहती है। एनी टाइम आप कभी भी आएंगे तो ये सब सारी जॉब्स जो है चलती रहती है। हाँ, हालांकि बीच में कभी कभार स्टॉपेज कर देती है इन सब का, क्योंकि जो लोकल से जो है रहता है ना, वो लोकल वाले जो आ जाते हैं, या फिर हिंदी वाले भी बहुत सारे आते हैं, बस बस भर भर के आते हैं। एक एक जो है उड़ीसा वाले या फिर यूपी वाले जो लड़की या लड़का जो है ना, वो क्या बताऊँ मैं, आपकी जो 300 300 600 600 एक एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। तो हालांकि जो बीच में 1 2 महीना बंद कर देता है वो अलग चीज़ है, लेकिन इन सब जॉब में कंटिन्यू रहती है। तो फ्रेंड्स, जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन गारमेंट्स जॉब करके मुझे व्हाट्सअप करे, और गाइस सीरियस बंदा ही मुझे कॉल और मैसेज करे। अगेन एंड अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि सीरियस बंदा ही कॉल करें। वहाँ बैठ के सब आ जाएंगे, हम कल आएंगे, हम आना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं, वो सब बातें ना करें हम लोगों के साथ। और जब भी जो है आप इंक्वायरी करें ना, तो एक बार वीडियो को जरूर देख ले कि मैं किस जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। अगर मैं उस बंदे को बोल दूँ कि भैया मेरे पास वो जॉब फुल हो गई है, फिल हो गई है, तो संदा यही बोलेगा, भैया आपके पास, सर आपके पास और कौन सी जॉब है। अब ऐसी बात है कि हम लोगों के पास एक जॉब कभी भी कंपलसरी नहीं रहती है, वो फिल होती रहती है, भर्ती भर जाती है, फुल हो जाती है, नेक्स्ट आती है, तो वो सब चलता रहता। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें, ये भी कि जो बीती हुई है उनको एक बार वेरीफाई कर लें कॉल करके कि सर ये जॉब है कि नहीं है। अब हम लोगों के पास कौन सी जॉब है वो जो है हम लोग पूरा डिटेल्स में आपको नहीं बता सकते, इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, से छोटी सी रिक्वेस्ट है, और जाने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर जरूर करें गाइस, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोगों आप लोगों के लिए फ्री ऑफ जॉब लेके आते हैं, बिना किसी चार्ज का। हम लोग किसी का पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आज तक 1 रुपया भी किसी का लिया है, फ्री में जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए पूरा अच्छी जॉब्स और अच्छी बेनिफिट्स वाली जॉब लेके आए। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छी जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।